नमस्कार, ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। आज फिर तुहाडे वर्गों लैके आई हाँ सतगुरु करता पुरख का एक कार्यक्रम। मित्रों, असी हर वेला बोलते काम करते वेला या फिर पढ़ाई करते वेला या फिर जिहड़े साडे घर दी महिलाएं हुंदियां वह भी यही बोलते कि असी काम करते वेला किदां भगवान नूं याद करिए, किदां अपने आप नूं भगवान नूं याद करते योग लगाइए। योग क्या हुंदा ते योगा क्या हुंदा, ये दोनों का डिफरेंट जिहड़ा हुंदा जिहड़ा अंतर है ये कई लोग समझ नहीं पाते। ते नाले ब्रह्मा कुमारी च इहदा आंसर जरूर पुछने वास्ते कई लोग सानू फोन भी करदे, वट्सएप भी करदे ते ईमेल च मैसेज भी आंदे। और मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहाडे प्रश्नों का हल देने वास्ते साडे जिहड़े भ्राता है निर्वैर भाई वह तुहानू प्रश्नों का हल देंदे। और मैनू ये भी लगता कि वह आंसर सुन के तुहाडे जिहड़े प्रश्न है वह खत्म हो जाते। आइए सतगुरु करता पुरख च निर्वैर भाई साहब का स्वागत करते हैं। भाई जी, तुहाडा इस करता पुरख च बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। सत श्री अकाल, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, बार बार तुहाडे वर्गों यही प्रश्न पूछदी हाँ मैं कि अजकल का जिहड़ा समय है, समय के हिसाब किताब नाल प्रकृति जीत किदां बणीए, तो प्रकृति नूं असी अपनी सेवाधारी किदां बनाईए। सब भैणां और भाइयां नूं बहुत बहुत ईश्वरी याद और इस प्रोग्राम च सब दा बड़ा स्वागत है। मेरे वास्ते बड़ा सौभाग्य है कि साड़ी कविता बहन जी सानू बुला लेंदे ने और फिर तुहाडी तरफों चारों तरफों ज्ञान दे कोई ना कोई सवाल या मेडिटेशन दे बारे च या योग दे बारे च कुछ क्लैरिफिकेशन वास्ते वो प्रश्न पूछते हैं। तो हुण इन्होंने मैनू पहले पहले पूछा ही कि योग दे बल नाल प्रकृति जीत किस तरह बनी है। असी थोड़ा जा मानव इतिहास नूं थोड़ा देखिए कि जदों असी सतयुग च हुंने हैं, सतयुगी संसार च, उस वेले आत्मा सतो प्रधान हुंदी है। जीरो परसेंट नेगेटिविटी उहदे च हुंदी, उहदे च कोई भी कमी विकारां दी इहदी कोई नहीं हुंदी, जिहनूं कहा जांदा इह भी संपूर्ण पवित्र। तो जो संपूर्ण पवित्र या पावन आत्मा हैगी है उन्हां दी प्रकृति दासी है, सेवा वास्ते है। इस करके सतयुग दे देवी देवत्यां वास्ते कहिंदे ने, एक तो उन्हां नूं इह पंज विकारां दा ज्ञान ही नहीं हैगा। नेगेटिविटी की हुंदी है उहदा ज्ञान ही नहीं हुंदा ही। और दूसरा है क्योंकि इतनी उन्हां दी प्यूरिटी 100% है ते पंज तत्व जिहड़े हैगे है जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी उह सब जितने भी उस वेले मानव मात्र हैगे है जिन्हां नूं असी देवी देवता कहने आ उन्हां नूं अपना मालिक समझ करके उन्हां दी सेवा च रहिंदे ने। इस करके कहा जांदा है कि देवी देवता जदों चाहुंदे सी बरसात हो जांदी सी, जदों चाहुंदे सी
सूर्य देवता सेवा च आ जाते सी और मिठी मिठी ठंडी ठंडी हवा सदाई चलती रहती सी। इस करके सतयुग च ना एयर कंडीशनर हुंदा ही लोड़ ही नहीं है, ना हीटिंग दी लोड़ है, क्योंकि एक रस मौसम रहिंदा ही, बहुत सुंदर मौसम। ते प्रकृति जीत बनने वास्ते वो इस प्रश्न कदों आउंदा ही जदों प्रकृति सानू थोड़ा दुख दिंदी है, बीमार कर दिंदी है, और बिना मौसम तो कुछ ना कुछ हुंदा ही है। कभी गर्मी ज़्यादा हैगी है, कभी सर्दी ज़्यादा हैगी है, कभी बारिश ही बहुत हो जाती है एक साथ, और या होएगी नहीं। तो इस करके प्रकृति नू अपना योगदान पहले दईए। जदों असी मेडिटेशन करते हैं तो उस वेले पंच तत्वों नू भी अपने संकल्प च इमर्ज करके और शिव बाबा दे नाल मन लगा के वो प्रकंपन प्रकृति नू भी दईए ताकि वो पावन बन दी जाए और असी भी पावन बन जाइए आत्मा रूप च, ताकि फिर दोबारा सानू प्रकृति दुख ना दे। जी भाई साहब, ते इनू महाविनाश दे समय प्रकृति जीत हो के भी प्रकृति नू अपना सेवाधारी किद्दां बना सकदे? विनाश असल च हुंदा ही रहिंदा ही, और जिहड़ा तुसी महाविनाश कह रहे हो जी, वो जरा पहली गल है कि उन्हूं देखण वास्ते बड़ी शक्ति चाहिदी है। आत्मा बहुत शक्तिशाली चाहिदी है, उहदे च योग दी शक्ति जिहदे करके सुभाविक रूप च अपने आत्म स्वरूप च स्थित रहे, और दूसरा है परमात्मा दे नाल भी मन लग गया रहे ताकि वो ताकत आत्मा नू होर मिलती रहे। और फिर इस तो ज़्यादा तो प्रकृति नू असी अपनी तरफों शुभ भावना दे प्रकंपन दईए ताकि वो जिहड़ा उहदा विकराल रूप है वह चेंज हो करके साढ़े नाल उहदी समरसता हो जाए, दोस्ती हो जाए। इस करके कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते, जिन्हां दी बुद्धि परमात्मा दे नाल नहीं लगी हुई है, विपरीत है, उल्टी है, तो उन्हां दा हुंदा विनाश। जिहड़ा तुसी महाविनाश की गल सुन रहे हो उस करके विनाश उन्हां दा हुंदा ही, क्योंकि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैगी है। पर वो बाबा दे बच्चे, शिव परमात्मा दे ब्रह्मा बाबा दे बच्चे जिहड़े काफ़ी समय तो शिव बाबा दे नाल मन लगा करके आत्मा नूं पावन बना रहे हैं स्वयं नूं, और उस दे नाल नाल अपने जिहड़े पवित्र शुभ संकल्प हैगे आ उहदे जरिए ये प्रकंपन प्रकृति नूं दे रहे ने, प्रकृति नूं भी अपना मित्र बना रहे हैं। इस करके उन्हां वास्ते कहा जांदा है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंते, उन्हां दी विजय हुंदी है। ते तुसी बाबा दे बच्चे विनाश तो डरो नहीं, लेकिन वो विनाश अपना काम करे
और साडा काम की है, साडा काम है सतयुग की स्थापना का कार्य करना, देवी देवता धर्म की फिर स्थापना करना। तो असी अपना जो साडा काम है, जो योग बल दे जरिए और ज्ञान बल दे जरिए दैवी गुणा की शक्ति नाल स्थापना होंदी है, उस स्थापना च असी अपना अपनी सेवा करिए ते प्रकृति सानू पूरा साथ देगी। जी भाई जी, तुसी ये सब मिला के तुसी सेवा दे बारे च गल कीती, तो सेवा कितने प्रकार दी हो सकती? सेवा ते सेवा ही है, वो तो तुसी जान दे हो। अगर किसी आत्मा नू तुसी सुख शांति दा रस्ता दस दे हो, भी अपने जीवन च सुख शांति किस तरह मिले, उहदा मार्गदर्शन उहनां नू दित्ता ही, कि इस तो वड्डी होर कोई सेवा नहीं है। और वो है तुहाडे अपने एक्सपीरियंस के आधार ते, कि जब तो परमात्मा दा तुहानू यथार्थ परिचय मिल गया और ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा तुहानू मिल गई, उन्हूं तुसी अपने जीवन च लियांदी, ते तां तुहाडी अपनी जीवन च सुख शांति मिली। ते उही जो स्वयं नू सानू मिलिया ही, असी वो दूसरियां नू दे सकते हैं। उहदे विच कई तरीके हैगे, अपने मिसाल कायम करके दिओ, या किसे नू शब्दां दे नाल ज्ञान दे करके, या कोई पुस्तकां इहो जिहां ज्ञान दियां मन दी शांति दे बारे च, या सहज राजयोग दे बारे च इहो जिहां छोटी छोटी पुस्तकां हैगियां, किताबां हैगियां, उह किसे नू दे दिओ। ते ज्ञान धन दा दान कर रहे हो, जिस तरह इस तरह ही होर कई प्रकार की सेवा हैगी है, प्रदर्शनी है और मेला है, दूसरा फिल्म है, टीवी दे जरिए है। मतलब सेवा दा मतलब है कि तुसी दूसरे जो भी भाई भैन हैगे है, उन्हां नू वो मार्गदर्शन दिओ कि वो अपने आप नू स्वभाविक रूप च आत्म स्वरूप च स्थित करके अपना सच्चा जेड़ा उन्हां दा स्वधर्म है, शांति और प्रेम, उहदे च उन्हां दा मन टिक जाए। जदों उन्हां दा मन इहदे च टिक जाएगा तो उन्हां दे व्यवहार च भी वो चीज़ आ जाएगी। हर एक नूं बड़े प्यार नाल गल करनगे, बड़े आदर नाल हर एक दा सत्कार करनगे और उस दे नाल हर एक दे कल्याण वास्ते पुरुषार्थ करनगे। जी भाजी, तो भाजी संसार च इतनी सारी लड़ाइयाँ, कला, क्लेश, झगड़े होया करदे, तो क्या असी ये योग द्वारा समाप्त कर सकते? क्या उपाय हो सकता इहदा? योग द्वारा तुसी कुछ हद ताईं कुछ वाइब्रेशन दे सकते हो जी, पर जदों ताईं लोगों के दिमाग विच भेदभाव है गया जी, भावें वो मज़हब के कारण भेदभाव है गया, भावें देश दा आपस च झगड़े है गया ते भेदभाव है गया, और भावें रंग भेद है, कोई भी भेदभाव के कारण जेड़े झगड़े है, जदों ताईं वो झगड़े इस दुनिया च है गए है तो शांति नहीं हो सकती। तो इस करके ईश्वरी ज्ञान दे जरिए इहो जे जेड़े फिरका प्रस्ती है या जो भी है, उस तो जदों साडा मन उपर उठदा ही, बेहद च असी सोचते हैं कि असी परमात्मा पिता के बच्चे हैगे हैं,
और साड़ा कम की है जो परमात्मा पिता तो सारा संसार हाथ जोड़ जोड़ करके नतमस्तक हो करके मत्थे टेक टेक करके यही मांगते हैं, हे भगवान, हे राम, हे वाहेगुरु, साढ़े जीवन च शांति और सुख होए, साड़ा परिवार सुखी रहे। इस तरह ही फिर थोड़ा बेहद च जाते हैं तो अपने समाज और देश वास्ते भी सोचते हैं। तो वो ताई हो सकता ही जदों इंडिविजुअली असी अपने आप नू पहले इस स्थिति च लैए, परमात्मा दे नाल मन लगा के शांति च, प्रेम च और एक दूजे दे वास्ते साढ़े दिल च बड़ा प्यार और आदर होए, फिर देखो कितना शांति मिल जाती है और ये लड़ाई झगड़े जड़े है वो खत्म हो जाते हैं। जी तो पाजी, शारीरिक जड़ी बीमारियां हैं उस च कितना विजय प्राप्त करिए, मान लिया कि कोई बीमारी आ गई उस च कितना, काफ़ी बड़ी बीमारियां होंगी उस च कितना असी विजय प्राप्त करिए, क्या उपाय हो सकता इदा भी? एक चीज़ अपने मैं अनुभव तो तुम दस रही जी, क्योंकि मैं हालांकि ज्ञान मार्ग 20 साल की उम्र तो चल आई जी, 50 साल की उम्र ती मैनू कोई बीमारी कभी तंग नहीं कर रही सी जी, पर 50 साल की उम्र च पहले चेंज आई और मैनू हार्ट की सर्जरी करवानी पई सी, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया सी जी। लेकिन मैं देखिया कि शिव बाबा ने या बाप दादा ने गुलजार दादी दे जरिए मैनू इतना सुंदर संदेश दिता कि तुसी अपना मन जेड़ा ही वो सूक्ष्म वतन च बाप दादा दे नाल लगाओ, बाप दादा तुहानू गुलाब दी सहज सैया ते सुला देंगे और डॉक्टर अपना काम करेंगे ते तुहानू कोई तकलीफ ही नहीं होएगी। ये वरदान मिलिया सी बाबे तो और मैं खुद अनुभव किया, मैनू पता भी नहीं लग्या किस कदों सर्जरी हुई की होया, और उस तो बाद भी साइंस ने इतनी सानू देन दिती है, उहदे च मेडिसन्स इहो जिहियां हैगियां कि असी डॉक्टर साहब की राय दे नाल जदों वो कैप्सूल लेंदे रहने हैं 8-8 घंटे तो बीमार वो दर्द अंदर महसूस ही नहीं होंदा और आहिस्ता आहिस्ता फिर जदों साड़ी रिकवरी हो जाती तो फिर जेदा वो भी निश्चित होंदा टाइम किसी दी 3 हफ्ते हो जाती, किसी दी थोड़ी ज़्यादा 6 हफ्ते लग जाते, पर 6 हफ्ते तो बाद जदों रिकवरी हो जाती तो इंज लगता ही जिस तरह कुछ होया ही नहीं है, थोड़ी जी वीकनेस लगती है पहले दी जिहड़ा पहले शरीर सी उहदी बेंच च थोड़ा जा फर्क तो पैंदा ही 10-15% का, लेकिन फिर असी अपनी नॉर्मल लाइफ जो साड़ी सेवा हैगी है उहदे च अपना पूरा दिल लगा करके असी फिर बिजी हो गए। तो ये खास ये चीज़ है कि दवाइयां दा असर भी ता हुंदा ही जे तुसी दवाई लैण वेले परमात्मा दे नाल मन लगा के थोड़ा जा बाबा नाल गल करके
और फिर तुसी वो दवाई लैन गए तो वह दवाई का असर भी होएगा और तुसी जल्दी तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर तुसी पहले तो ही बाबे नू याद कर रहे हो, तुहाडे च योग बल इतना है तो तुहानू बीमारी आएगी नहीं, गल ही खत्म हो जाती है। लेकिन अजकल खान पान अनाज ये वो कुछ यहोजियां चीज़ा आ गई हैं, इस करके थोड़ा थोड़ा वो बीमारी लिया होती है जी। भाजी भाजी तुसी सानू साडे प्रश्न का हल दिता, तो लास्ट समय से तुसी इस समय दर्शकों नू क्या संदेश देना चाहते? मैं यही संदेश देंगा कि अपना मन खुश रखो जी, जी खुश ते जहान खुश। तुहाडा मन बड़ा खुश चाहिए और वो मन नू खुश रखण दे वास्ते अपने मन नू खुशी दा जिहड़ा सागर है, आनंद दा सागर है और सर्वशक्तिवान है परम पिता परमात्मा शिव, उन्हां दे नाल अपना मन नैचुरल लगाउणा सिख जा। कोई जिहड़ी बहुत प्यारी चीज़ हुंदी है या प्यारे भाई भैन हुंदे है या माता पिता हुंदे है तो उहदे वास्ते मेहनत नहीं करनी पैंदी, कोई वो नैचुरली याद उन्हां दी रहिंदी है, उन्हां दी अच्छी अच्छी गल्लां सानू याद रहिंदियां है, उन्हां दा प्यार सानू याद रहिंदा है, उन्हां दी जिहड़ी शिक्षा मिली हुई है जिस करके साडी जीवन अच्छी बनदी है वो याद रहिंदी है। तो इस करके बाबा ने सब बच्चों नू एक ही गल कही है कि बच्चे कोशिश करो जितना हो सके अधिक से अधिक समय बिताओ, तो याद दी यात्रा, यात्रा का मतलब है जितनी तुसी याद करनगे हो तो आत्मा उतनी शक्तिशाली बन दी जाएगी, पावन बनती जाएगी, श्रेष्ठ बनती जाएगी, उसका असर शरीर ते भी पैंदा है, फिर शरीर भी पूरा साथ देंदा है जी। पाजी आज तुसी सानू और मेरे दर्शकों नू प्रकृति के बारे च समझाया, ते नाले सेवा के बारे भी समझाया और अंत समय जो एक मैसेज दिता वो खुशी वास्ते, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी इस कार्यक्रम च आए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।